हेलो गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग एकदम बढ़िया एकदम ठीक सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या ये मुझे बता दीजिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम ठीक है सब कुछ तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की इधर ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर देखना कोशिश करना आप लोग सीखने की यहां पर मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो ये देखिए कोई भी अपने पास ट्राइंगल है ए बी और सी अब कोशिश करना समझने की एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी और इसको चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो ये ट्राइंगल अपने पास ए बी और सी ध्यान से समझने की कोशिश करना ए बी और सी ये यहाँ से इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी है और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है और इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है कोई भी लाइन है जो इसको बांटती है कोई भी लाइन है जो इसको डिवाइड करती है कौन से रेशियो में ये पॉइंट डी है और इसको एम अनुपात एन में बांटती है एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड करती है ऐसा हम लोग मान लेते हैं और इसकी जो लेंथ है वो अपने पास मान लो डी है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आप लोग अगर मुझसे पूछोगे कि कितनी है तो ये टोटल लेंथ अपने पास कितनी ए और ये एम है यहां से यहां तक तो एम है और ये अपने पास एन है ये यहां से यहाँ तक एम है और ये अपने पास एन है ध्यान रखना क्या एकदम ठीक है क्या देखिए तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया अगर किसी भी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है तो आप लोग घबराना मत अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया है ये यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा P और ये इसके हाइट H मान लो ये अपने पास हाइट H है अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ तक ध्यान रखना मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है यहाँ पर इसके सामने वाली साइड सी है इसके सामने वाली साइड बी है और यहाँ से यहाँ पर अगर मिला दिया जाए पॉइंट डी इसके लेंथ डी मान ली बी डी की लेंथ मैं एम मान लेता हूँ और सी डी की लेंथ मैं एन मान लेता हूँ मैंने ऐसा मान लिया और फिर क्या किया यहाँ पर मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया और एल्टीट्यूड यहाँ पर आकर मिलता है पी पर ये हम लोगों ने मान लिया ऐसा सब कुछ हमने माना है अभी तक और कुछ नहीं किया जो भी स्टूडेंट किसी ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो ठीक है आशीष रिपीट कर दिया भाई मैंने आपके लिए और मैंने कुछ भी नहीं किया बस एक ट्रायंगल बनाया ये वाली साइड सी ये वाली बी यहाँ पर ये मिड पॉइंट नहीं है ये कोई भी पॉइंट है डी इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है कहीं पर भी ये अपने पास डी है टोटल ए है इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक को मान लिया है एम है और इसको यहाँ से यहाँ तक को मैंने मान लिया है एन है और ये अपने पास हैच है ध्यान देना इसको अगर मैं y मान लेता हूँ ये अगर y है तो मुझे बताइए टोटल एम था तो इधर वाला जो बचा ये यहाँ तक एम था ये टोटल p से d तक y मान लू तो इधर वाला क्या m माइनस वाई होगा क्या और आपको मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम याद होगी ट्रायंगल ए पी डी में नब्बे डिग्री के सामने हमेशा कर्ण ए पी डी में मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी डी में हम लोग लिख सकते हैं नब्बे डिग्री के सामने कर्ण सी है तो क्या सी स्क्वायर बराबर मुझे आप लोग बताइए सी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एच का स्क्वायर अब एच का स्क्वायर प्लस एम माइनस वाई का स्क्वायर एम माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एम वाई हाँ ना बोलिए क्या मैंने एकदम ठीक लिखा है क्या और इस चीज़ को एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप लोग डी स्क्वायर भी लिख सकते हो तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायेर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू एम वाई ये आप लोग सारे लोग एक बार बताइए सारे लोग कि ये चीज़ मैंने कैसे लिख दी क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या उम्मीद है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे ये वाली परमे जो है पाइथागोरस पाइथोग नब्बे डिग्री के सामने कर्ण होता है इसका स्क्वायर सी का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस एम माइनस वाई का स्क्वायर और एम माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे ना एम माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एम वाई हाँ ना बताइए क्या सारे लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरा ऐसे ही ट्रायंगल ए पी सी में नब्बे डिग्री के सामने कर्ण है ए पी और सी ये नब्बे डिग्री के सामने ए पी सी है एक ट्रायंगल ए पी सी की अगर मैं बात करूं तो नब्बे डिग्री के सामने कर्ण या हाइपोटेनस जो होगा वो अपने पास आप बोलोगे सर बी होगा हाइपोटेनस जो होगा वो अपने पास बी होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एक तो हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो ध्यान रखना एन प्लस वाई होगी ये साइड मैंने एन मानी है ये वाई मानी है तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी वो एन प्लस वाई होगी तो एन प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एन वाई होगा ये लो और यहाँ से जैसा आपको पता है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जो अपने पास है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह आप लोग डी स्क्वायर लिख सकते हो तो मुझे बताइए बी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डी स्क्वायर पहले एन कर लो एन स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह एच प्लस वाई की जगह डी स्क्वायर माइनस टू एन वाई ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वेशन सेकेंड मुझे आप लोग सारे के सारे लोग मिलकर बताइए ये हमने कैसे लिख लिया क्या समझ पाए हो क्या यहां पर क्या आएगा अब की बार एन प्लस वाई है तो यहां पर क्या आएगा प्लस आएगा ध्यान रखना ये एन प्लस वाई है तो एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एन वाई आएगा साइन किसका आएगा प्लस का आएगा बोलिए क्या एकदम सही है क्या बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे साथ साथ मुझे चीजें अगर बताते रहोगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ठीक है देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको इनटू कर दीजिए आप लोग किससे इस चीज को आप लोग इनटू कर दो किससे एन से इनटू कर दो एन से इंटू करके लिख दो तो जब भी इसको एन से इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा एन सी स्क्वायर बराबर एन एम स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर माइनस टू एन एम वाई एन से इंटू कर दिया हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड और इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने किस से इसको एन से इंटू कर दिया और इस चीज़ को इंटू कर दिया एम से क्योंकि यहां पर टू एम वाई है यहां पर टू एन वाई है तो ये दोनों कटेंगे नहीं ये दोनों ऐड करेंगे तो कटेंगे नहीं तो हमने क्या किया यहां एन से इंटू कर दिया और यहां पर एम से इंटू कर दिया जैसे ही एन एन फॉर नेशनल से इंटू करोगे तो टू एन एम वाई बन गया ये बन गया इसको एम से इंटू करोगे तो टू एन एम वाई बन जाएगा लेकिन अकेले से तो कर नहीं सकते तो एम से इसको अगर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा एम बी स्क्वायर ये बनेगा एम बी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर बराबर प्लस टू एन एम वाई ये अपने पास इक्वेशन फोर्थ है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप लोग जोड़ दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप लोग जोड़ दो तो जोड़ने से सर फायदा क्या होगा यहाँ पर जैसे आप लोग ऐड करोगे इससे फ़ायदा ये होगा एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर ये जो होगा इन दोनों से अगर मैं एम एन कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा एम प्लस एन और इन दोनों से अगर मैं डी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा एम प्लस एन और ये दोनों तो भाई कट गए हैं और एम प्लस एन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो एम प्लस एन की जगह आप लोग ए लिख सकते हो तो एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर एम प्लस एन की जगह आप लोग ए लिख सकते हो एम एन ए प्लस डी स्क्वायर ए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये अपने पास एक थ्योरम होती है कि कभी भी अगर ये m और n दे और यहाँ से यहाँ तक कि अगर लेंथ निकालनी पड़े तो एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम एन ए प्लस डी स्क्वायर ए ये अपने पास थ्योरम होती है अपने पास ये सिवा की थ्योरम है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना इसको आप लोग याद रखना लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सारे लोग देखना मुझे बताइए याद करने के लिए क्या इसको मैं मेन लिख सकता हूँ क्या और इसको क्या मैं डेड लिख सकता हूं क्या तो यहां पर जब भी अपने पास ऐसा हो क्रॉस जाएगा एन सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर बराबर मैन प्लस डेड एम ए एन प्लस डी ए डी ये आप लोग ऐसे इस टाइप से इस चीज को याद कर सकते हो मैं क्या बता रहा हूं मैं वापस समझाऊंगा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा फिर से देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई सबसे पहले सारे लोग ध्यान से समझना और ये बात मैं बताऊँगा आपको तीन बार कितनी बार बताऊँगा तीन बार बताऊँगा एक बार में नहीं समझ में कोई बात नहीं दो बार में नहीं समझ में कोई बात नहीं तीन बार में नहीं समझ में तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए कि तीन बार में मुझे समझ में नहीं आया ये ध्यान रखना ये पॉइंट अगर डी है ये यहाँ से यहाँ तक ये डी है टोटल तो अपने पास ए है और ये टोटल अपने पास इधर वाला जो है ये अपने पास एम है और ये अपने पास एन है तो ध्यान रखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या याद रखना है एन सी स्क्वायर जाएगा इधर से ये जाएगा एन सी स्क्वायर ये इधर से जाएगा एम बी स्क्वायर उल्टा जाएगा ये अपने पास थ्योरम होती है बराबर अपने पास एन सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर ठीक है एन सी स्क्वायर एम बी बराबर मैन प्लस डेड एम ए एन प्लस डी ए डी एम ए एन प्लस डी ए डी ये अपने पास थ्योरम होती है इसकी लेंथ अगर कभी भी डी की लेंथ निकालनी पड़े तो इफ ए डी इज मीडियन एक बार सबसे पहली बार मैंने बताया इस चीज को ये अपने पास यदि डी मीडियन है इफ ए डी इज मीडियन कल से मीडियन में आपको पढ़ा रहा हूँ इफ ए इज मीडियन यदि ए डी माध्यिका है मुझे बताओ ए डी अगर माध्यिका है मीडियन अगर है तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताना यहाँ से अगर ये मीडियन है माध्यिका है तो आप लोग बताओ समझदार लोग हो आप लोग मुझे ये बताइए एम का मान क्या अपने पास ए बाई टू होगा क्या कहोगे सर जरूर होगा और एन का मान भी जो होगा वो क्या ए बाई टू होगा क्या कहोगे जरूर होगा ये अपने पास m का मान a बाई टू है और n का मान कितना है a बाई टू है तो मुझे बताइए n का मान जो आप लोग a बाई टू रख सकते हो तो इसको मैं कर सकता हूं a बाई टू सी स्क्वायर देखना प्लस ये अपने पास m का मान a बाई टू है इंटू बी स्क्वेर एम का मान a बाई टू इन टू ए एन का मान भी ए बाई टू तो इन टू करने पर क्या ए क्यूब अपोन अपने पास फोर आ गया है क्या प्लस ये डी स्क्वायर तो पड़ा रहने दो और ए का मान कितना आ गया है ए बाई टू ये अपने पास ए का मान ए बाई टू क्यों ए का मान तो ए ही है ये डी स्क्वायर ए ऐसे कैसे रख दिया एम कमान भी ए बाई टू एन कमान भी ए बाई टू तो ए स्क्वायर बाई फोर ए ये है तो ए क्यूब बाई फोर ऐसा हम लोग हा ना बोलिए सारे लोग क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या इसके बाद मुझे बताइए सभी जगह से कॉमन आकर सभी जगह से कॉमन आकर क्या अपने पास ए से ए कट जाएगा क्या ए के यहाँ से कटेगा ए के यहाँ से कटेगा ए के यहाँ से कटेगा तो अपने पास पावर बची दो और ए के यहाँ से कटेगा मैं दो काम साथ कर रहा हूँ पावर ए काट भी रहा हूँ और दो से अपने पास एल्शियम जो आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर बाई टू बी स्क्र बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू बराबर ये क्या होगा अपने पास यहाँ पर एल सी एम अगर फोर ले लोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो ये अपने पास कट गया है कितनी बार इससे अपने पास काट दो कितनी बार कट गया ये दो बार तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई टू दोनों को अलग अलग के साथ में लिख रहा हूँ इसको इसके साथ भी लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बाई टू प्लस अपने पास कितना होगा टू डी स्क्वायर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये जो थ्योरम है जो आप लोगों को अजीब सी लग रही है जो याद रखनी है जिसको सुंदर हम लोग अभी बनाएंगे इस चीज़ का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम हम लोग बोलते हैं इस चीज़ का नाम अपोलोनियम पर में ये कोई मैथमेटिशियन जिनका नाम था अपोलोनियम पर में है ये आप लोग ध्यान रखना ये आप लोग याद रखना हाना बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्यूअर्ट थ्योरम इसका जो नाम है वो होगा अपने पास स्ट्यूअर्ट थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्यूअर्ट ठीक है और यहां पर अगर अपने पास ये है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया तरीके से थोड़ा सा सुंदर लिखेंगे देखना आप लोग सारे लोग ध्यान देना मुझे आप लोग ये बताइए इसमें अगर हम लोग दो कॉमन ले लें तो मुझे बताओ इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्र ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ये लाइन सिर्फ ऊपर वाली याद होनी चाहिए ये तो मैं आपको वैसे ही एक मतलब आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस हो उन चीजों के लिए समझा रहा हूं ये याद मत रखना इसका कोई यूज नहीं है फाइनल रिजल्ट इसका याद रखेंगे और उसका दूसरा तरीका क्या होगा वो भी मैं समझा देता हूँ यहाँ से अगर दो कॉमन ले लें तो यहाँ तो आप कहोगे सर दो है ही नहीं डी स्क्वायर में तो दो है ठीक है आपने कॉमन ले लिया अच्छी बात है यहाँ पर दो है ही नहीं और दो नहीं है तो क्या इसको ए सी स्क्वायर बाई फोर लिखेंगे क्या अगर अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास टू बराबर डी स्क्वायर डी स्क्वायर से तो दो कॉमन ले लिया और यहाँ दो है ही नहीं और कॉमन ले लिया तो क्या ए स्क्वायर बाई फोर लिखते हो बिल्कुल ठीक है क्या कहीं अगर कोई चीज़ जैसे ए है इसमें से दो कॉमन ले, ले लेते हो तो इसको क्या लिखोगे ए बाई टू ऐसे लिखते हो जैसे ए बाई टू है दो कॉमन ले लिया और दो है नहीं तो ए बाई फोर जैसे ए बाई थ्री है दो कॉमन ले लिया तो क्या लिखोगे ए बाई सिक्स ऐसे ही तो आप लोग लिखते हो ना तो यही बात मैंने यहाँ पर बताई है मैं दो कॉमन ले लेता हूँ थोड़ा सुंदर लिखने के लिए इसको बढ़िया तरीके से सही चीजें लिखने के लिए और मुझे बताइए ए स्क्वायर बाई टू की जगह ए स्क्वायर बाई टू की जगह यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी कि क्या आप लोग ए स्क्वायर बाई टू की जगह ए स्क्वायर बाई जो फोर है वो क्या आपने पास सी डी का स्क्वायर ही है क्या सी डी की लेंथ होगी ए बाई टू CD की लेंथ होगी a बाई टू और CD स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा ए स्क्वायर बाई फोर होगा तो मुझे आप लोग ये बताइए और मैं इसको बार बार समझाऊंगा घबरा मत जाना कोई भी स्टूडेंट तीन चार पांच बार मैं बताऊंगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो तीन चार मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा आपको खुद को याद होगा तो मुझे बताइए बी की जगह क्या लिख सकते हो आप बी की जगह लिख सकते हो ए सी स्क्वायर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं बी की जगह आप लोग लिख सकते हो ए सी स्क्वायर C की जगह क्या लिख सकते हो तो आप लोग लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर टू इंटू ए डी यहाँ पर मीडियन है टू इंटू ए डी स्क्वायर और इसकी जगह ए स्क्वायर बाई फोर की जगह ए स्क्वायर बाई फोर की जगह आप लोग लिख सकते हो सी डी स्क्वायर तो सही जो अपोलोनियम थ्योरम है वो ध्यान रखना उसको लास्ट फाइनल जो है उस वो ये याद नहीं करते अपोलोनियम थ्योरम हम लोग ये याद करते हैं अभी याद हो जाएगी आपको अपने आप आसानी से याद हो जाएगी उम्मीद है यहाँ से ये कैसे आया होगा ये चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है मैं एक बार फिर बताऊँगा बस ये मुझसे नहीं पूछो कि क्या है क्या नहीं है एक बार कि सर कैसे आ गया नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया ऐसा कमेंट मत करो पांच या सात मिनट बाद मैं खुद ही पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया ठीक है ना जब मैं पूछूं तब बताना अभी मत बताओ मुझे अभी मैं पूछ ही नहीं रहा हूं तो आपका बताना कि समझ में नहीं आया सर ये खराब जाएगा इसलिए आप लोग बताओ ही नहीं एक बार ध्यान रखना आप मैं क्या बता रहा हूं देखिए मैं आपको यह बता रहा हूं एक ट्राइंगल है ए बी और सी हमारे पास यहाँ से एक ट्राइंगल है ए बी और सी यहाँ से अगर हम लोग इसकी मीडियन डाल दें अगर इसकी मीडियन डाल दें ए डी अगर मीडियन है तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ यहाँ से ये मीडियन है तो यहाँ से अगर एल्टीट्यूड डाल दें हम लोग ये अगर एल्टीट्यूड डाल दें इसका एच ये अगर एल्टीट्यूड डाल दें तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए एक बार अगर ये वाई है आपने पास ये वाला यहां से यहां तक अगर y है तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताओ ए बी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग बी डी ये कितना होगा तो आप कहोगे सर ये बी डी माइनस वाई होगा तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए डी स्क्वायर बराबर सारे लोग बताना ए बी स्क्वायर सॉरी इधर वाले ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर बराबर सारे लोग मिलकर बताओ ए बी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या या यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो मैं इसका नाम दे रहा हूँ ये एच और वाई नहीं देकर इसका नाम मैं पी दे रहा हूँ मान लीजिए एक बार इसका नाम मैं पी दे रहा हूँ तो मुझे सारे लोग बताओ क्या आप लोग ए बी स्क्वायर बराबर क्या ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर लिख सकते हो क्या ए से पी स्क्वायर प्लस बी से पी स्क्वायर हा ना बोलिए क्या लिखा जा सकता है क्या ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्र प्लस बीपी स्क्वायर और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ क्या आप लोग ए पी स्क्र की जगह स्क्वाच नहीं मान रहा मैं क्या आप लोग एपी स्क्वायर की जगह इस ए पी स्क्र की जगह मुझे ये बताइए पाइथोज थोरम अगर मैं इस ट्राइंगल में लगा दू सिर्फ इस ट्राइंगल में तो क्या आप लोग यहाँ पर मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर इस ए पी स्क्वायर की जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर वही पाइथागोरस थ्योरम से नब्बे डिग्री के सामने कर्ण ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर सिर्फ आप लोग इस ए पी स्क्वायर की जगह मुझे बताइए क्या लिख सकते हो क्या इसमें कोई मना नहीं कर सकता सारे लोग बोलोगे कि हाँ सर आराम से हम लोग लिख सकते हैं और बी से पी जो है उसकी जगह क्या बी डी माइनस पी डी कर सकते हैं क्या इस चीज की जो वैल्यू है बी से पी तक को बी से पी तक को क्या हम लोग बी डी माइनस पी डी लिख सकते हैं क्या और यहां पर यह आएगा ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बी डी इंटू पी डी अपने पास यहाँ पर यह आएगा और पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कट जाएगा तो ए बी स्क्वायर का मान आ गया ए डी स्क्वायर प्लस BD बी डी स्क्वायर माइनस टू बी डी इन टू अपने पास पी डी हाँ ना बोलिए क्या सारे लोग मैंने क्या समझा दिया समझ पा रहे हो क्या ए बी स्क्वायर बराबर ये कैसे आ गया क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या दूसरा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ऐसे ही अगर आप लोग ए सी स्क्वायर लिखना चाहो अगर आप लोग ऐसे ही ए सी स्क्वायर लिखना चाहो तो मुझे बताइए ए सी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग नब्बे डिग्री के सामने नब्बे डिग्री के सामने कारण ए सी है ए सी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर लिख सकते हो क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर की जो वैल्यू आप लोग रखोगे ए पी स्क्वायर की वैल्यू वही रखोगे जो ऊपर रखी है इस येलो वाले ट्राइंगल में ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर और पी सी का जो मान होगा पी से सी तक उसको लिखोगे पी डी प्लस सी डी पी डी प्लस सी डी और जब इसका होल स्क्वायर आप लोग खोलोगे तो पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कट जाएगा एक स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको मैं खा गया हूँ यहाँ पर बीच में तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी स्क्वायेर पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर तो कट जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस टू पी डी इन सी डी और अगर ये मीडियन है अगर ये मीडियन है तो बी डी बराबर अपने पास होगा सी डी ये अपने पास अगर मीडियन है तो बी डी और सी डी की लेंथ बराबर होती है तो मुझे ये समझाने की कोशिश करो क्या इसकी जगह मैं सी डी स्क्वायर की जगह क्या बी डी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्या प्लस टू पी डी इन सी डी की जगह आप लोग बी डी भी लिख सकते हो ध्यान रखना इक्वेशन सेकेंड और जब आप लोग फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ोगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को अगर जोड़ोगे इधर एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर को जोड़ोगे तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ एडी स्क्वायर आ गया दो बार ये और ये तो जब जोड़ोगे कट गया एडी स्क्वायर आ गया दो बार और बी डी स्क्वायर आ गया दो बार ये थी अपोलोनियम थ्योरम अपोलोनियम साहब जो थे उन्होंने इसको ऐसे ही प्रूव किया था ध्यान रखना और ये लास्ट जो रिजल्ट है ये आप लोगों को याद रखना है ये आप लोगों को याद रखना है यानी कि आपने पास ये जो होता है ए डी मीडियन की लेंथ अगर कभी भी निकालनी है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास बी डी भी ले सकते हो बी से सी डी से बी से डी तक भी उतना ही होगा और सी से डी तक भी उतना ही होगा आप लोगों को लगेगा सर फिर थोड़ी देर पहले आप क्या समझा रहे थे जो थोड़ी देर पहले हमारे दिमाग में आप लोग घुसाने की कोशिश कर रहे थे वो क्या था वो मैं अगले तीन या चार मिनट बाद उसी पॉइंट पर वापस आऊँगा और मैं वापस बताने की कोशिश करूँगा पहले एक बार अपोलोनियम एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ नहीं तो फिर आप लोग घर पर बैठे हो मुझसे दूर हो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर बताना क्या चाह रहे हैं इसलिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते चलता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता चलता हूं मैं आपको क्या कह रहा हूं सबसे पहले मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर कभी भी आपकी मीडियन अगर ए डी है इसके लेंथ अगर निकालनी है तो याद रखना ए बी स्क्वायर देख लो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस उसके बाद याद रखना ये दोनों बराबर है सी से डी भी लिख सकते हो या बी डी जो मर्जी है वो आप लोग लिख लीजिए हम लोग यहां पर सी डी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर दोनों में से एक कोई सा भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों के लेंथ बराबर है मैं फिर बताता हूं क्या समझा रहा हूं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मान लो ये बी ई मीडियन है माध्यिका है अगर बी तो अपोलोनियम साहब ने हमें क्या बताया उनकी थ्योरम ये क्या थी उन्होंने हमें सिखाया कि आप लोग मुझे ये बता दो कि बी ई e की मीडियन अगर निकालने तो क्या लिखोगे आप लोग फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसी ये दोनों साइड जहाँ से मीडियन निकली है उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है किसके प्राइस ऑफ बी ई स्क्वायर और उसके बाद आप लोग जो चाहो वो ले सकते हो ई e से ए तक ले सकते हो या e ई से सी तक ले सकते हो वो दोनों बराबर होती हैं ई e, ए स्क्वायर ये आप लोग लिख सकते हो मैं आपको फिर क्या बता रहा हूं जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये मीडियन फाइंड आउट करनी है सी एफ तो आप लोग बताओ क्या लिखोगे इसके लिए मुझे आप लोग बताइए यहां पर क्या लिखोगे तो आप लोग लिखोगे सी बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी एफ फिर एफ बी भी, भी ले सकते हो या एफ ए ले सकते हो वो आप पर डिपेंड करेगा क्योंकि वो दोनों बराबर हैं ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग याद रखना देखिए अपने पास यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी वो कहेगा ये अपने पास चार है ये अपने पास पाँच है और ये अपने पास छः है तो ए से डालेगी मीडियन की लेंथ आप लोग फाइंड आउट करो ए से डालेगी माध्यिका की लंबाई बताओ तो ए से डालेगी माध्यिका ए डी की लंबाई अगर कभी भी पूछ ले तो हम लोग लिखेंगे चार का स्क्वायर सोलह प्लस पाँच का स्क्वायर पच्चीस बराबर दो गुना ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ से चाहे इधर वाला ले लो कोई सा भी ले लो ये भी तीन है चाहे इधर वाला ले लो ये भी तीन है उसमें से एक का स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर नो और क्या सोल करके आप लोग एडी का मान निकाल लोगे क्या क्या आप लोग सोल करके यहां से ए डी की वैल्यू निकाल लोगे क्या बोलिए समझ पाए हो क्या बी सी बाई टू नहीं ले सकते बी सी स्क्वायर बाई फोर लोगे क्योंकि सी डी का मान है बी सी बाई टू ले सकते हो सी डी की वैल्यू बी सी बाई टू है तो वहां स्क्वायर अगर है तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे बी सी स्क्वायर बाई फोर लिखोगे पहले सारे लोग मिलकर मुझे बताओ क्या अपोलोनियम थ्योरम कैसे कहां से क्या आती है क्या सारे लोग समझ गए हो क्या अब मुझे बताओ एक बार मैंने आज की क्लास में जो शुरुआत की थी अब अपोलोनियम सभी को समझ में आ गई तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो स्टीवर्ट थ्योरम अपने पास होती है एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम एन प्लस डी ए डी इससे अगर कभी भी आप लोगों को अपोलोनियम थ्योरम अगर प्रूव करनी हो मान लो उससे आपको करना ही नहीं है इसी चीज़ से क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है तो क्या होगा हमने क्या किया इसको मैं अच्छे से समझा कर आ गया हूं। स्टुअर्ट कैसे आई किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो सेम चीज है जैसे अपोलोनियम की है वैसे ही सेम वही कॉन्सेप्ट बस इन कर रहे हैं थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया और बाकी चीज वही आई है जो वहां पर आया है सेम टू सेम ये कैसे आया और इस चीज से अपोलोनियम कैसे आती है वो मैंने एक बार बता दिया कि माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं माध्यिका की लंबाई स्टुअर्ट से आगे ऐसे बढ़ाकर एम की जगह भी आप लोगों ने क्या किया ए बाई टू कर दिया और एन की जगह भी ए बाई टू कर दिया ना बताइए अब आप लोग समझ पा रहे हो क्या सोरमीना मतलब गया ठीक है धीरे धीरे मैं और समझाता हूं देखिए अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ अभी मजा आया नहीं है अभी तो आएगा देखना आप मैं आपको क्या कह रहा हूं अपोलोनियम उम्मीद है मैं समझा पाया हूं आपको फिर से देखिए आप लोग बोर्ड पर मैंने कहा उस चीज को मैं तीन बार आपको बताऊंगा क्यों बताऊंगा तीन बार क्योंकि तीन पॉइंट समझाने हैं मैं आपको क्या कह रहा था मैं आपको यह बता रहा था सभी लोगों को अगर कभी भी अपने पास ऐसा है ये अपने पास ऐसा है ए है बी है और सी है यहां से अगर हम लोग कभी भी ये पॉइंट इसके सामने वाली साइड सी है ये बी है और ये टोटल जो साइड है वो अपने पास ए है मैं आपको ये बताना या सिखाना चाहता हूँ सभी लोगों को अगर ये कोई भी अपने पास मीडियम नहीं है ध्यान रखना कोई भी लाइन है जो इसको एम अनुपात एन में बांटे जो इसको एम अनुपात एन में बांटे तो याद रखना उल्टा जाता है एम बी स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग समझ लो अच्छे से ध्यान दो हम लोग लिखते हैं एम बी स्क्वायर थ्योरम में प्लस उल्टा जाता है एन सी स्क्वायर ये अगर डी है तो प्लस एन सी स्क्वायर प्लस मैन प्लस डेड ना बताइए ये आज की क्लास में शुरुआत से ही समझाते हुए आ रहा हूं क्या आप लोग सारे लोग इस चीज को याद कर पाए हो क्या आज की जो क्लास थी उसमें शुरुआत से ही ये बात मैं समझाते हुए आ रहा हूं ना बोलिए एक बार क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या देखिए अब आप लोग अगर इफ इज एंगल इफ इज एंगल बाई सेक्टर कोण समिभाजक है तो मुझे बताइए अगर ये कौन समिभाजक है तो कौन समिभाजक सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। अगर कल की क्लास थोड़ी सी ध्यान से देखिए पूरी ध्यान से नहीं थोड़ी सी भी ध्यान से देखिए तो आपको लगा पता लगेगा कि एम का जो मान होता है वो होगा ए अपॉन बी प्लस सी इंटू अपने पास इधर की साइड सी है तो इन टू सी और एन का मान अगर आपके पास होगा एन जो होगा ए अपोन बी प्लस सी इन टू हम लोग कर देंगे इधर वाले की वैल्यू पूछिए तो बी की ये टोटल अगर ए है तो इसको सी अनुपात बी में बांटता है और मुझे बताइए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है स्टर्ड बोलता है कि कोई भी लाइन हो लेकिन पहले तो हम लोगों ने बोलिया अगर वो मीडियन है तो हम लोगों ने ये बात अब अगर वो अपने पास क्या है अगर है अगर तो एंगल लोग समझ पाए हो क्या मुझे बताओ क्या अपने पास ये, अगर M की आप क्या रख सकते हो अगर आपसे पूछना चाहूं एम का मान क्या रख सकते हो? आप कहोगे इन टू बी स्क्वायर तो है ही प्लस आप लोग एन की वैल्यू क्या रख सकते हो एन की वैल्यू ये रख सकते हो ए अपॉन ए इंटू बी अपॉन बी प्लस सी इन सी स्क्वायर बराबर मैन प्लस डी ए डी क्या आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना सभी जगह से ए कॉमन आकर क्या कट रहा है क्या अगर आप लोग ध्यान दोगे ए यहाँ से कॉमन आएगा यहाँ से कॉमन आएगा यहाँ से भी कॉमन आएगा और यहाँ से भी कॉमन आएगा जो कि अपने पास कट जाएगा मुझे ये बताइए यहाँ से क्या बी सी कॉमन आ रहा है क्या दोनों से बी सी अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा बी अपॉन बी प्लस सी अगर बी सी कॉमन ले लिया तो सी अपॉन बी प्लस सी और बराबर अपने पास एम इन टू एन प्लस डी स्क्वायर डी इंटू डी यानी डी याद करने के लिए मेन प्लस डेट याद ऐसे ठीक रहता है तो हमने ऐसे कर लिया था मुझे बताओ यहां से अगर हम लोग एल्सियम ले लें बी प्लस सी अगर एल्सियम ले लें यहां से बी प्लस सी एल्सियम तो ऊपर भी बी प्लस सी बराबर अपने पास एम इंटू एन प्लस डी स्क्वायर है और डी स्क्वायर एंगल बाई सेक्टर ध्यान रखना ये कट गया तो इधर तो बचा बी सी माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर है तो कभी भी एंगल बाई सेक्टर की लेंथ अगर निकालनी पड़े ये क्या इतिहास है यह या आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं मैं तो प्रत्येक बच्चे को समझाना चाहता हूँ कि अच्छे से ढंग से सही से सारी चीजें समझ में आए इसके लिए मैं बता देता हूँ लेकिन याद रखना आपको जरूरी नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या जरूरी है कि एंगल बाई की लेंथ कैसे निकालते हैं सी बराबर बीसी माइनस एव एन बराबर डी स्क्वायर हा ना बताइए क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या ये याद करना है याद करना है याद करना है और याद करना है सभी लोगों को ध्यान रखना है। ये थ्योरम याद होनी चाहिए बस आया कैसे वो तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किसी भी बच्चे का करते चले करते चले करते चले और लास्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं बता देता हूँ लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए याद होना चाहिए इसको याद कर लेना कि इन दोनों का इंटू करके ये माइनस कर देते हैं और बराबर अपने पास एंगल वाई सेक्टर की लेंथ था जाती है ना बोलो ठीक है क्या ये बोलते रहो भाई जब तक आप लोग ना नहीं बोलोगे तब तक चीजें आपको कम समझ में आएंगी तो साथ साथ मेरे बोलते रहो समझ में आया या नहीं आया ये बात मुझे बताते रहो नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं डायरेक्ट इनको रटवा भी सकता था कि इनको रट लेना रट लेना पीएचडी थोड़ी ना करनी है रट लेना लेकिन फिर भी मैं एक बार चीजें समझाना चाहता हूं जिससे आप लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं रहे कि यार रटना है ठीक है रेशियो नहीं है एम और एन रियल वैल्यू है रेशियो में तो और सेम ही होगा अगर एंगल बाई सेक्टर है, तो एम और एन का रेशियो और सी और बी का रेशियो तो सेम होगा लेकिन एम और एन यहां पर रियल वैल्यू यहां से यहां तक की लेंथ है ये एम रियल लेंथ है और एन यहां से यहां तक जो भी रियल लेंथ है ये अगर ये है मतलब एम देखो ठीक है आ रहा है समझ में ठीक है मैं आपको क्या बता रहा था फिर से समझना मैंने कहा था तीन बार बताऊंगा तो तीन बार बताऊंगा ही कुछ भी कर लेना आप लोग कि समझ में आ गया आ गया आ गया ऐसे कहोगे तो भी मैंने एक बार बोल दिया कि तीन बार बताऊंगा तो तीन बार बताऊंगा ए बी और सी ये अपने पास B है ये अपने पास C है और ये टोटल जो है वो अपने पास A है और यहां से यहां तक कोई भी अपने पास लाइन है ए डी जो इसको बांटती है M और N में ये अपने पास M है और ये अपने पास N है देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं देखो मैं क्या कर रहा था मैं आपको क्या बता रहा था एक बच्चा आशीष आशीष गुप्ता आशीष गुप्ता देखना यहाँ पर अपने पास ऐसा है ये वाली साइड मान लो अपने पास ए है ये वाली साइड अगर बी है और ये वाला कोण अगर थीटा है जब ये कोण 30 30 डिग्री अगर दे दे तो हम लोग दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं जो आप सोच रहे हो मान लो ये एंगल बाई सेक्ट्रैक्स से। है तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसका एरिया निकालते हैं हाफ इंटू ए इंटू एक्स साइन थीटा देखना अगर ये तीस तीस दे दे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो साइन तीस एरिया का फॉर्मूला होता है दो साइड को इंटू करते हैं और बीच का कौन साइन में ऐसे ही इधर वाले का एरिया हाफ इंटू बी इंटू सी साइन थर्टी और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बराबर में टोटल का एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी बराबर साइन साठ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कभी आ जाए कि तीस तीस दे दे तो फिर इस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग याद रखना मैं आपको क्या बता रहा हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आ गया मतलब कभी 60 डिग्री दे दे और ये एंगल भी फिर 30 हो जाए और ये एंगल भी अगर 30 डिग्री हो जाए तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ से जैसे सभी जगह से कॉमन आके हाफ तो कट रहा है तो यहाँ पर बचेगा एक्स तो कॉमन ले लो यहाँ पर बचेगा ए बाई टू क्योंकि साइन थर्टी का मान यहाँ पर बचेगा बी बाई टू क्योंकि एक्स कॉमन ले चुके हैं ए इंटू बी बराबर साइन थीटा का मतलब रूट थ्री बाई टू टू से टू अपने पास कट गया एल सी मार तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ए इंटू बी इंटू रूट थ्री अपॉन ए प्लस बी ये अपने पास यहाँ पर अगर सिक्सटी डिग्री आ जाए तो हम लोग ये मैंसन में हम लोग सीखेंगे कि कभी भी दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है और ऐड करोगे तो बराबर में ये आ जाएगा हा ना बोलिए क्या ठीक है क्या देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको यह बता रहा हूं सभी लोगों को यहां पर अगर अपने पास कभी भी ऐसा है कि ये अपने पास बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर बराबर होता है मेन प्लस डी ए डी देखना अब कोशिश करना समझने की अगर ये आइसोशलाइज ट्राइंगल है अगर कभी भी ये समी बाह त्रिभुज है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है और कभी भी अगर ये समी त्रिभुज है और ये साइड मान लो बराबर है एक्स और एक्स बी और सी कंडीशन लेकर चल रहा हूं तीन स्ट्यूअर्ट थ्योरम की पहला मैंने कहा अगर मीडियन आ जाए तो दूसरा मैंने कहा अगर अपोलोनियम अपने पास अपोलोनियम थ्योरम से भी करवा दी मीडियन तीसरा मैंने आप दूसरा पॉइंट मैंने समझाया अगर एंगल बाइसेक्टर आ जाए तो तीसरा पॉइंट मैं आप समझा रहा हूं यदि आइसोसलेस्ट एंगल है मतलब ये दोनों बराबर अगर है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर बराबर होगा आपने पास किसके एम एन ए मैन इन टू डेड मैन प्लस डेड का मतलब ये अपने पास ए इंटू डी मुझे आप लोग ये बताइए यहां से अगर मैं अक्स स्क्वायर कॉमन ले लू यहां से मैं अक्स स्क्वायर कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा आप बोलोगे सर एम प्लस एन बचेगा बराबर ये तो ही रहा है मैन प्लस डेट इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे बताओ एम प्लस एन की वैल्यू क्या है सारे लोग मिलकर बताओ मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग एम प्लस एन का मान क्या एक ही है ए ही, ही है क्या तो अक्स स्क्वायर इन टू ए बराबर एम ए एन प्लस डी ए डी क्या कॉमन आके ए से ए सभी जगह से कट जाएगा क्या और एम एन को इधर ले आओ आक्स स्क्वायर माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर है तो यहां पर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन भी देगा आइसोसलेस ट्रैंगल है एक की लेंथ आप लोगों को दे देगा और इसकी लेंथ दे देगा और दूसरे वाली साइड की लेंथ आप लोगों से पूछ लेगा फिर लगेगा अजीब कि कहीं भी मिल गया तो हमें क्या मतलब कि इधर वाला क्या होगा इधर वाला क्या होगा ये दे देगा ये दे देगा ये और ये आइसोसलेस ट्रैंगल में ये दोनों देखकर यहाँ से कोई भी लाइन खींच देगा उसकी लेंथ दे देगा ना तो बोलेगा मीडियन है ना बोलेगा एंगल बाइसेक्टर है ना बोलेगा एल्टीट्यूड है ऐसा कुछ नहीं बोलेगा और लेंथ आपसे पूछ लेगा कि ये यह यहां से यहां तक दो और ये तीन है और इनकी लेंथ दे देगा दे दे या ये लेंथ दे देगा ये दे देगा ये दोनों आइसोसलेस दे देगा और इसकी लेंथ पूछ लेगा याद रखना याद रखना याद रखना और याद रखना आगे हम लोग चलते हैं ये स्टुअर्ट थ्योरम की मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बताए अब मैं वापस आता हूं अपोलोनियम थ्योरम पर देखिए आप लोग उम्मीद है मैंने अभी क्या समझाया सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे थोड़ा टाइम जरूर लगता है भाई मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा मैं एडवांस मैथ्स का उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं लेकिन समझाऊंगा भी आपको अच्छे से सभी बच्चों को जिनका बेसिक थोड़ा बहुत ठीक नहीं है उनको भी एकदम सही से मैं समझाऊंगा और ये हम लोग सेवन हंड्रेड के अप्रोक्स क्वेश्चन दूंगा इनको दो बार लगा देना क्वेश्चन मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवा देता हूं सारो आइसोस्लेस ये मीडियन होगा मीडियन नहीं होगा आइसोस्लेस जो होगा वो मीडियन नहीं होगा ध्यान रखना में मीडियन नहीं है कोई भी लेंथ है मीडियन अगर कभी हो स्पेशल मीडियन अगर कभी हो तो उसके लिए अपोलोनियम थोरम फिर लगा देना जैसे क्या बताइए अपोलोनियम थ्योरम मैंने अगर यहां पर एडी अपने पास मीडियन है अगर ये एडी अपने पास मीडियन है तो हमने क्या बताया या क्या सीखा है बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर प्लस आपने पास सी डी स्क्वायर ये आप लोगों को मैंने सिखाया है अगर आप लोगों को अपोलोनियम मीडियन अगर हो तो फिर ये लगाना ध्यान रखना सब क्लियर हो जा रहा है ना ठीक है ठीक है भाई लास्ट में मैं टाइम दो मिनट तीन मिनट आपको दे दूंगा स्क्रीनशॉट में वापिस ले आऊंगा उसको अभी तो हम लोग समझते हैं समझने की कोशिश करना ये पॉइंट अगर ई है तो मैं फिर से अपोलोनियम लिखता हूं ए बी प्लस बी सी स्क्वायर बराबर आपने पास होगा ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर कुछ लोग तो धीरे धीरे इतनी बार मैं ये चीजें बताऊंगा कि परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि सर आप इतनी बार ए की ये जो चीज है ये समझ में आ गई समझ में आ गई अपोलोनियम तो पहले ही समझ में आ गई थी ये आप क्यों बता रहे हो देखो मैं क्या बता रहा हूं बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर लेकिन याद रखना कभी भी मैं कोई चीज़ अगर वापस बताता हूँ तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि वहाँ पर कुछ मैं नया आपको सिखाना चाहता हूँ कभी भी अगर मैं कोई चीज़ वापस बता रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं कुछ नया पॉइंट वहां पर सिखाना चाह रहा हूँ सारे लोग समझने की कोशिश करना मुझे आप लोग ये बताओ सारे लोग यहाँ पर क्या हम लोग सी को देखना ध्यान रखना ध्यान देना क्या हम लोग सी को बी सी लिख सकते हैं क्या और बताओ सी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तो सी डी स्क्वायर को लिख सकते हो BC स्क्वायर बाई फोर तो ये जो सी डी स्क्वायर है देखना ये जो सी डी स्क्वायर है इसको मैं मिटाकर यहां पर क्या BC स्क्वायर बाई फोर कर सकता हूं एक बार बताओ हाँ ये जो अक्सर लास्ट वाले में मीडियन नहीं है मीडियन होती तो ये दोनों बराबर लेता मैं मीडियन अगर होती तो एम और एन की लेंथ फिर मैं बराबर ही ले लेता ले इसको भी फिर ए बाई टू लेता और इसको भी ए बाई टू लेता अगर मीडियन होती तो ये कोई भी लाइन है सीवीएन के लिए मीडियन के लिए स्पेशल कंडीशन बता दी और फिर उस थ्योरम का नाम भी चेंज कर दिया वो थ्योरम नाम चेंज कर कर करके कर दिया अपोलोनियम थ्योरम फिर मैंने वही स्टूएड थ्योरम एंगल बाई सेक्टर में लगा दी और वही जो थ्योरम है वो मैंने यहाँ पर एक बार आपके लिए और लगा दी ठीक है कोई गलत लिख दिया होगा मैंने देख लेता हूं एफ ए कैसा है गलत लिख दिया होगा मैंने एफ ए कैसा है ये क्या मतलब हुआ सी एफ स्क्वायर प्लस एफ ए भी लिख सकते हो या एफ बी भी लिख सकते हो वो तो बात एक ही है ना अरे महाराज मुबीन खान मेरे भाई मैंने सुबह से ये ही समझाया पूरी रामायण आपने देखने के बाद लास्ट में पता लगा कि राम रामायण में था या महाभारत में था फिर सुबह उठ के ये क्वेश्चन करते हो आप ये मैंने कहा कि कोई सा भी आप कर सकते हो बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के बाद यहाँ पर सी एफ स्क्वायर मीडियम है और ये दोनों लेंथ बराबर होती हैं ये अगर छः होती तो इधर वाली भी तीन होती इधर वाली भी तीन होती तो यहाँ पर एफ बी भी आप लोग लिख सकते हो या एफ ए भी लिख सकते हो बात एक ही है भाई प्लीज रिप्लाई तो वापस पूछो तो सही आपके कमेंट ऊपर चले जाते हैं मुझे नहीं पता लगता कभी मैं देख लेता हूं तो उसका रिप्लाई कर देता हूं नहीं तो कमेंट ऊपर चले जाते हैं आपके वापस पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो तो ये बात एक ही ध्यान रखना मुझे आप लोग ये बताओ सारे लोग मिलकर क्या हम लोग ई e, ए को ई e से ए जो है उसको क्या ए सी बाई टू लिख सकते हो क्या तो ई e स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपने पास ए सी स्क्वायर बाई फोर क्या बिल्कुल ठीक है क्या स्क्वायर की जगह देगा चौधरी जी एम और लेंथ देगा वो ऐसा क्वेश्चन में करवाऊंगा एक ये सत्रह है ये सत्रह है जैसे ये सेवनटीन है ये सेवनटीन है ये अपने पास कुछ जैसे आठ है ये अगर चार है तो इसकी लेंथ बताइए तो ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप लोगों को अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा इस टाइप का क्वेश्चन एक करवाऊंगा जिससे वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी ठीक है तो E से ए को हम लोग क्या ए सी स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं क्या इसकी जगह लिख सकते हो ए सी स्क्वायर बाई फोर ऐसे ही एफ से ए की जगह एफ से ए जो है इसकी जगह क्या आप लोग ए बी स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हो क्या मैं क्या कर रहा हूं इन सभी को ऐड कर रहा हूं तो इनको ऐड करोगे तो टू टाइम ए बी स्क्वायर आ जाएगा देखो अब ध्यान दो आप लोग यहाँ पर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर दो बार आ गया तो टू टाइम अपने पास आएगा ए बी स्क्वायर टू टाइम आएगा बी सी स्क्वायर जब जोड़ोगे और टू टाइम आएगा सी ए स्क्वायर ऐसे ही इसको अलग अलग जोड़ रहा हूं दो से इनटू कर रहा हूं तो दो बार आएगा एडी स्क्वायर दो बार आएगा बीई स्क्वायर e और दो बार आएगा सी एफ स्क्वायर और ये दो का इनसे इंटू करोगे तो दो से दो कट गया दो से दो कट गया दो से चार कटेगा दो बार तो हाफ अगर कॉमन आ जाएगा हाफ अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर मुझे आप लोग ये बताइए इसको उठाकर अगर इधर लाओगे आप लोग तो इसमें से ये है आधी बार ये है अपने पास दो बार तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से तो बचेगा दो और यहाँ से बचेगा वन बाई टू और ये कॉमन ये उठा के धर लाओगे ना और ये कॉमन आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सीए स्क्वायर बराबर अपने पास होगा हाँ सेम होंगे वो मैं बताऊंगा आपको आपने पास एंगल बाई सेक्टर में एंगल बाई सेक्टर भी सेम होगा मीडियन भी सेम होगी एल्टीट्यूड भी सेम होगा ये चीज़ें जब आपको समझ में आएगा मुझे लगेगा कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी इक्विलेटरल में क्या होगा ये सारी की सारी चीज़ें मैं मेरी तरफ से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आइसोसलेस में वही मीडियन होती है वही एंगल बाई सेक्टर होता है वही एल्टीट्यूड होता है सारी लाइन एक ही लाइन का काम करती है क्यों करती हैं वो मैं समझाऊँगा जब आपको बताऊँगा मैं पढ़ेंगे ना हम लोग कॉन्ग्रेंसी उसके बाद में ये चीजें समझाऊंगा तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था बराबर टू टाइम स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर और इसको उठाकर हम लोग दो को ये इसको सोल्व करोगे तो थ्री बाई टू आ जाएगा इसको यहां पर थ्री बाई टू टू आगे ले जाओ दो आगे चला जाएगा तो यहां बचेगा थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर होता है किसके फोर ए डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर ध्यान रखना भाई ये क्वेश्चंस अगर किए हुए रहेंगे आपके तो आपके दिमाग में अच्छे से बढ़िया तरीके से सही तरीके से आपको जब क्वेश्चन ऐसे आएगा इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए डी बी एंड सी एफ आर मीडियन रेस्पेक्टिवली दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अगर एक त्रिभुज में ए डी बी और सी एफ माद्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है तो याद रखना साइड के स्क्वायर के सम का तीन गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के सम के चार गुना के बराबर होता है याद रखना याद रखना और याद रखना ठीक है आप लोग समझ पाए हो क्या आइसोसलेस में यह मैं बता देता हूं दो बार बता चुका हूं पांचवी बार फिर बता देता हूँ कम से कम चार पांच बार बता चुका हूँ ये कोई भी लाइन वो बोलेगा कि यहाँ से यहाँ पर मिला दी ना तो वो मीडियन बोलेगा ना एल्टीट्यूड बोलेगा ना कुछ और बोलेगा इसका नाम कुछ भी वो वैसे होता सीवीएन है लेकिन एस एस सी में नाम सीवीएन आएगा नहीं वो कहेगा ए से डी को मिला दिया बस ना तो माध्यिका है ना और है आइसोस्लैस में आइसोस्लेस में ना तो ये माध्यिका है ना ये एंगल बाइसेक्टर है ना ये एल्टीट्यूड है कोई लाइन नहीं है बस ऐसे ही मिला दी ये कोई लाइन अगर एंगल को बाइसेक्ट करे वो तो एंगल बाई जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाए वो मीडियन। कोई नब्बे डिग्री बनाए वो एल्टीट्यूड लेकिन मैं कोई ऐसी लाइन भी तो बना सकता हूँ जो बिना कोई ऐसे ही हो कुछ भी ये लो इधर वाला यहाँ से यहाँ तक एम है और इधर वाला यहाँ से यहाँ तक एन है और ये एक्स है और ये एक्स है और ये डी दे दे तो ध्यान रखना ना ये एंगल बाई सेक्टर है ना ये एल्टीट्यूड है ना ये मीडियन है ये कोई भी ऐसी लाइन है कि हम लोगों ने ऐसे मिला दिया मिला तो सकते हैं ना कितनी भी लाइन ये यहां पर मिला दिया तो अक्स स्क्वायर माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर होता है ये मैंने समझाया ऐसे ही कभी मर्जी से मिला दे जैसे माध्यिका मिला दे सब लोग ध्यान रखते हैं कि माध्यिका की लेंथ कैसे निकालेंगे एंगल बाय डाल दे सभी लोग ध्यान रखते हैं कि एंगल बाय की लेंथ ऐसे निकाल दूंगा कभी वो एल्टीट्यूड निकाले तो एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालेंगे सारे लोगों को पता रहता है या मैं सिखा दूं आपको नहीं पता तो चिंता मत करना लेकिन कभी उसका ऐसे ही मन किया कि चलो बच्चों को थोड़ा सा देखते हैं कि उन पर तो ये ध्यान देते हैं ऐसे ही मैं कोई लाइन खींच देता हूँ जो इधर मिलाए मान लो पंद्रह इधर ये हो तो आप लोग बताइए क्या होगा इसकी लेंथ क्या होगी ऐसे अपने पास पूछ सकता है क्या आप समझ पाए हो क्या ध्यान रखना आज से एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद दो महीने बाद या एस सी या कोई भी एग्जाम मान लो पांच महीने बाद दोगे तो ये चीजें आपकी मिक्स हो जाती हैं आपके बाकी चीजें तो याद रहती हैं लेकिन एक ऑप्शन में ये मिलता है और दूसरे ऑप्शन में फिर ये मिलता है फिर आप ये तीन और चार के चक्कर में ये चीजें भूल जाते हो बाकी तो सब ठीक है ये अपने पास बराबर होगा थ्री ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर और ऐसी दो तीन अपने पास नीचे वाले ऑप्शन तो और बना देगा तो याद रखना जो साइड होती है एक ट्राएंगल की कितनी साइड्स होती हैं एक ट्राएंगल में हमेशा तीन साइड होती हैं तो ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उधर तीन साइड होती हैं तो उधर तीन आएगा ऐसे याद कर लेना ये आप लोग जैसे भी चाहो मतलब वैसे याद कर लेना अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में वो याद करना ही नहीं चाहते वो तो हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं सर माध्यिका भी तो तीन ही होती हैं लेकिन मैं कहूंगा माध्यिका याद रखना एक भी हो सकती है माध्यिका ट्रायंगल की एक भी हो सकती है माध्यिका दो भी हो सकती है और माध्यिका तीन भी हो सकती है लेकिन ट्रायंगल की साइड एक नहीं हो सकती कि ट्रायंगल की साइड एक ही है ये एक साइड है ट्रायंगल की ये जब बड़ा होगा तो ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा नहीं होता है ध्यान रखना ट्रायंगल हमेशा तभी बनेगा जब साइड तीन हो ट्रायंगल के तीन साइड होना जरूरी है माध्यिका तो चाहे एक खींच लो चाहे दो खींच लो चाहे तीन खींच लो ठीक है क्या ठीक है ना ध्यान रखना ध्यान रखना और ध्यान रखना तो इसका जो भी बच्चा चाहे स्क्रीन शॉट ले सकता है मैंने आपको बता दिया है कि ये कब ये याद रखना मतलब स्पेशल रूल है मैं जिसके ये व्हाइट कलर का स्टार लगा रहा हूं वो याद रखना आपको आइसोस्लेस ट्रायंगल में आप लोग स्क्रीनशॉट जो बच्चा कुछ लेना चाह रहे थे ले सकते हो आइसोसलाइज ट्राइंगल में बिना मतलब की कोई भी लाइन खींच ले ना तो माध्यिका है ना मीडियन है ना कुछ और है ऐसी कोई लाइन खींच दी और फिर अगर लेंथ पूछे तो अक्स स्क्वायर माइनस सेवन बराबर डी स्क्वायर ठीक है पीछे चलता हूं मैं और यहां पर मैंने बताने की कोशिश की कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं ये लाइन देखो ये रही ये रही एंगल बाय सेक्टर में यहां भी लिख देता हूं ये कौन समझिभाजक है अब की बार जहां लिखा हो वही समझना जहां नहीं लिखा हुआ वो, वो खुद की तरह मत समझना कम लिखे को ज्यादा समझना जैसे लेटर वेटर में पहले लिखते थे कि कम लिखे को ज्यादा समझना वो आपको करना नहीं है जो लिखा हुआ है वही चीज समझना ऐसे मत समझना कि बिना मतलब की कोई चीज खुद से जोड़ लो स्क्रीनशॉट ले लो हाँ अशोक मैं सारी स्लाइड आपको वापस दिखा रहा हूं एक बार के लिए अगली स्लाइड अपने पास ये है ये रही यहां पर मैंने आपको बताया कि अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं और उसका एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बताया तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ध्यान रखना आप ये कब लगेगी अपोलोनियम थ्योरम कब काम आती है जब हम लोग मादिका की लंबाई निकालते हैं बोल के थोड़े दिन पढ़ लो यार पंद्रह दिन ओनली एडजस्ट कर लो दो क्लास के लिए देखो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता है आपने देखा होगा कि स्टूट थ्योरम में मैंने कितनी चीज़ें बता दी नहीं तो ये स्किप कर देता है तो भी आपको पता नहीं लगता तो एक बार आप दो घंटे पढ़ लो पंद्रह दिन फिर क्लास नहीं लगाएंगे पंद्रह सोलह तारीख तक पढ़ लो ताकि ये चीज़ें मैं बहुत डीप से और बहुत अच्छे से आपको समझा सकूँ नहीं तो इसमें ही टाइम कम से कम एक डेढ़ महीना चला जाएगा सिर्फ इसी चैप्टर में ये मैंने अपोलोनियम थ्योरम खुद अपोलोनियम साहब ने कैसे प्रूव की थी वो मैंने आपको बताया और दूसरा आपको ये जो है ये आगे भी बता दिया है वो तो आपको याद होगा दूसरा मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि स्टुअर्ट वाली थ्योरम को भी काम लेकर अपोलोनियम बनाना चाहो तो अपने पास ऐसे बन सकती है ये बात मैंने आपको बताई कि स्ट्यूअर्ट से अपोलोनियम में कैसे बदलोगे और ये शुरुआत आज की क्लास की यहां से की थी कि ये स्टुअर्ट थ्योरम हम लोग कैसे प्रूव करते हैं इसका आप लोग मैं साइड में एक बार हट जाता हूं स्क्रीन शॉट आप लोग ले सकते हैं चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं ठीक है तब तक चाय पानी पियो आप